वंदितु सब सिद्धे धूमचल मणोम गदिम पते वो छामी समय पाहुड़ मिड़वो सुध केवली बणिदम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित सुभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिका। समय सार जी ग्रंथादि राज और उसकी अमृत चंदाचार्य देव की आत्मख्याति टीका, मानो अमृत ही बरसाती है। शरद पूर्णिमा का दिन है आज, लोक में ऐसी मिथ्या मान्यता प्रचलित है, ये सत्य है कि चंद्रमा की चांदनी में रात्रि में शीतलता लगती है, लेकिन वो शीतलता भी तब लगती है जब हमारा मन शांत होता है। यदि मन में कोई उलझन है या विषय कसाय की आग भी जल रही है तो चांदनी में शांति नहीं लगती। तरह तरह की मिथ्या मान्यताएं चलती हैं, लोक मूर्ताएं चलती हैं। रात में 12 बजे चांदनी, रात में खीर को रख दो तो चांदनी का जो अमृत है वो खीर में आ जाएगा, और वो खीर जब खाएंगे तो हम श्वास की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी मिथ्या मान्यताएं चलती हैं लोक में, मूर्ताएं चलती हैं, लेकिन वहां पर कुछ होता हो ना हो, लेकिन यह जो अमृत चंदाचार्य देव का अमृत है इसको पान करने से जरूर परिणति में सम्यक शीतलता आती है, वास्तविक शीतलता आती है। अध्यात्म उबाऊ और नीरस नहीं है, अध्यात्म आनंदमय है। अध्यात्म कैसा है? आनंदमय। अध्यात्म अविकारी आनंदमय है, इसके पान करने से, इसकी सम्यक किरणों में स्नान करने से, धूप स्नान करते हैं, इसकी किरणों में स्नान करने से, जो आत्मख्याति टीका है, इसमें जब परिणति स्नान करती है, इसका अवगाहन करती है, इसमें जब निमग्न होती है, तो वास्तव में अतिंद्रिय अविकारी आनंद की प्राप्ति होती है। इस समयसार से दूर परिणति पाप है, समयसार को समझने वाली परिणति पुण्य है, और समयसार को समझकर जो परिणति शांत हो जाती है वही धर्म है। पाप भी एक, पुण्य भी एक, और धर्म भी एक। अमन क्या बोले, पाप पुण्य धर्म? इस समयसार से जो समझने से जो परिणति दूर है, समयसार की उपेक्षा करने वाली परिणति है वो पाप है। समयसार को समझने में लगने वाली परिणति वो पुण्य है, और समयसार समझकर शांत हुई परिणति ही धर्म है। ये धर्म है, ये असली जो धर्म है, असली जो धर्म का मर्म है, उस मर्म को बताने वाली इस आत्मख्याति टीका की हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ दे दो, बाहर ग्रंथ ले लो, डॉक्टर साहब आप ही ले लो ग्रंथ, ये पैड है।
यही शरद पूर्णिमा की तो बात चल रही है। समय सार ग्रंथ पूरा है, पूरे शुद्धात्मा को बताता है। जब उस परिणति इस समय सार के माध्यम से पूर्ण शुद्धात्मा को समझती है तो परिणति भी आनंदित हो जाती है। बराबर। कल तक हमने 42 नंबर के श्लोक तक की चर्चा की थी। श्लोक कुछ और बीच में बहुत बढ़िया बढ़िया भी थे, लेकिन हमने तेजी से आगे बढ़ने के लिए शीघ्र हमारा ग्रंथ प्रारंभ हो इस अपेक्षा से उन कलशों को गौण किया था। अब आप निकालिए पेज नंबर 148 पर कलश नंबर 44। पेज नंबर 148 कलश नंबर 44 इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में अथवा नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। सुनो, पुद्गल नाचता है और मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। इसका मतलब मैं नहीं नचता। नचता है पुद्गल, ज्ञान समझता है मैं नच रहा हूँ, पर ये अज्ञानता ही अनंत दुखों का बीज है। क्या कहा? ये अज्ञानता ही अनंत दुखों का बीज है। नचता है कौन? देखो ये बोल रहे हैं आचार्य। ये शब्द है कौन है? ये हाथ हिला कौन है? ये आंखें कौन है? कल रात में बताया था, कल गोमट साली जीवकांड का स्वाध्याय में दोपहर में आया कि अजीव दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अजीव। कौन कौन से दो प्रकार के? बोले एक एक पाप रूप अजीव और एक पुण्य रूप अजीव। ये जो धन, गाड़ी, चश्मा, मोबाइल, पत्नी का शरीर, ये जो दिख रहा है, ये पाप रूप अजीव है। ये मंदिर, ये जिन प्रतिमा, ये पुण्य रूप अजीव है। कौन है ये भी? है अजीव। ये शास्त्र कौन है? ये पुण्य रूप अजीव। तो ऐसे अजीव के दो भेद। तो जो कुछ दिख रहा है सब ये नाटक, वो किसका नाटक है? वो सब अजीव का है। बात आई? कौन नाचता है? पुद्गल मतलब अजीव ही नाचता है। और जीव तो आगे लिखा है, देखो, अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं है। कौन अनेक प्रकार का नहीं है? कौन अनेक प्रकार का नहीं है? अनेक प्रकार का नहीं। देखो मैं एक ही प्रकार का हूं। और कौन से प्रकार का हूं मैं? बस ज्ञान प्रकार। पानी कितने प्रकार का? ध्रुव। ध्रुव नाम है, क्या नाम? अर्श। अर्श मतलब? अर्श मतलब है फर्श से अर्श तक। अर्श मतलब ऊंचाई। बोलते फर्श से अर्श तक, सबसे ऊंचा। अर्श मतलब सबसे ऊंचा, फर्श मतलब जमीन और अर्श मतलब ये हर्ष है। अर्श सुनाई पड़ रहा है, खुशी की तो बात ही चल रही है, हर्ष की। हर्ष क्या बोल रहे थे वो भूले गए, बोल पूछना। हाँ पानी, पानी का पूछ रहे। पानी कितने प्रकार का हम बता रहे? एक पीने का पानी, एक बाथरूम का पानी। तो ये पानी कैसा है? हाथ धोने का पानी। ये पानी कैसा है? फेंकने का पानी। पानी कितने प्रकार का? ये पानी किसका है? पंडित जी का पानी। किसका पानी? गजब हो गया। किसका पानी? हे आर्या इधर सुनो, पानी किसका? आर्या का पानी। हंस रही है, देखो। किसका पानी? किसका पानी है? पानी तो पानी
पानी है एक प्रकार H2O, लेकिन अलग अलग संयोग से अलग अलग कार्यों की विवक्षा से पानी के अलग अलग नाम प्रकार पड़ते हैं। ऐसे ही जीव कितने प्रकार के, जीव तो जीव है चैतन्यमय। देखो क्या लिखा है, अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं है। ओहो, मैं कितने प्रकार का हूँ, लड़की जीव, लड़का जीव, मम्मी जीव, पापा जीव, है कि नहीं जीव। जीव को जीव देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा। क्या सुनो, ये मम्मी जीव, पापा जीव, फिर अब आगे चले तो मैं रागी जीव, क्रोधी जीव, कितने प्रकार का, यहाँ यही यही अनेक प्रकार का देखोगे मर जाओगे, मर कर जाओगे, मरे हो जिंदा की बात चल रही है। बेचेत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है। क्या मतलब इस लाइन का बोलो, सदियों से तो पूजा कर रहे। बेचेत पड़े सब देही हैं, इस लाइन का क्या अर्थ है, पंडित नहीं है हम, सरल करके बताओ। बेचेत, अब शब्दों को तो देखो, बेचेत मतलब बेहोश, जो बेहोश पड़े हैं वो कौन है, वो देही हैं। देही का मतलब वो अपने को शरीर रूपी अनुभव कर रहे हैं, देही पुद्गल, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला। हर सुबह कितने बजे उठे थे आज, 6 बजे उठे थे, और आप मतलब इतना काम कर रहे थे नखराली पे। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ये कौन है, ये कह रहे हैं ये देही है। देही है मतलब ये बेहोश है, ये अज्ञानी है। बेचेत पड़े सब देही है, फिर क्या होता है, फिर चलता राग, चलता द्वेष। क्यों, इस शरीर के लिए जो अच्छा 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 राग चलता है, चलता फिर राग प्रभंजन है। अब विषय बहुत है। अवेद ज्ञान में पुद्गली अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं है। कौन अनेक प्रकार का नहीं है, और मर्म में पूरे समय सार का अध्यात्म का, और यह जीव तो मैं तो, बात चलेगी सर्वनाम की भाषा में, यह वह जो करना उसको, मैं तो रागादि, देखो रागादि मतलब, अतो रागादि मतलब राग द्वेष मोह, खाने पीने, दर्शन पूजन पाठ के भाव, पहले उड़िस्तान से लेके 10वें उड़िस्तान तक के सारे विकारी भाव, सारी कसाएं वो रागादि में गर्भित है। एक शब्द में रागादि पुद्गल, और किसके विकार है वो, जीव के नहीं कह रहे, पुद्गल विकारों से विलक्षण, विलक्षण मतलब विरुद्ध लक्षण वाला, उससे अपोजिट शुद्ध चेतन धातु मैं मूर्ति हूं। हर्ष कल लिखा है बताओ, पढ़ के ग्रंथ देखो बेटा, शुद्ध चेतन धातु मैं मूर्ति हूं, कौन, मैं किससे विलक्षण, रागादि पुद्गल विकारों से, और मैं कैसा हूं कि मैं एक हूं, मैं नाचता नहीं हूं, और पुद्गल कितने हैं, अनेक है, और वो क्या करते हैं, वो नाच रहे हैं 24 घंटे। कौन नाच रहा है, डांस कौन कर रहा है, दुकान से घर, घर से दुकान, घर से मंदिर, मंदिर से तीर्थ क्षेत्र, ये जो डांस हो रहा है वो कौन कर रहा है, पुद्गल। ये केवल रवि किरणों से बोलना, ये थाली की तरफ यहाँ होना, ये
आरती होना, इस समय सार खुलना, इस समय सार लिखाना, इस समय सार के प्रवचन होना, कौन नाच रहा है? गजब है। और समझ क्या रहा है ज्ञान? और ये समय सार पढ़ के सुन के ही पता चलता है कि मैं नहीं नाच रहा। शादी हुई कि नहीं हुई? शादी में नचे कि नहीं नचे अपनी? अजीब पागल हो, दूसरे की नच रहे और अपनी में? अरे हमारी शादी नहीं हुई, शादी देखना ये पागलपन है, नचना है। और मैं तो कैसा था? मेरी शादी नहीं हुई, मेरी पत्नी बच्चे नहीं है, मेरी दुकान मकान नहीं है, मर गए कर कर गए बाल बच्चों के पीछे, मुझे सुन नहीं रहे। हम नहीं मरे, अपने को मरने वाला देखना ही मरना है, बाकी तुम मरे नहीं हो। अध्यात्म सरस है, अध्यात्म आनंद रूप है, नीरस स्वभाव नहीं है। ज्ञान को आगे ले जाता है। ज्ञान रुका हुआ है, जो रुका हुआ पानी, गंदा पानी जिसमें जीव जंतु हो गए मोह राग द्वेष के, इस पानी को बहाता है अध्यात्म। और जब बहता है पानी तो वो स्वच्छ होता है, बहता हुआ पानी। और अज्ञानता में वो ज्ञान रुका हुआ है। मेरी शादी हुई, मैं ग्रस्त हूं, व्यस्त हूं, त्रस्त हूं, अभ्यस्त हूं, पढ़ते पूजा में सब उल्टी बातें लिख लो। अध्यात्म आगम से विपरीत है। क्या कहा? अध्यात्म आगम से विपरीत है। आगम कहता है तुम व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त हो, अध्यात्म कहता है नहीं नहीं तुम तो एक चैतन्य मूर्ति हो। आगम कहता है तुम संसारी हो, अध्यात्म कहता है नहीं नहीं तुम तो शुद्ध स्वरूप हो, मुक्त स्वरूप हो। अब आगम अध्यात्म की विशेष चर्चा आगे करेंगे थोड़ी सी, बराबर। बहुत बढ़िया चर्चा है, अंतिम देखो इसका, जो 149 पेज पे क्या लिखा, टीका की बीच में टीका लिखा है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, चौथा पांचवा पैराग्राफ टीका लिखा है, डॉक्टर साहब मिला टीका। इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर रंगभूमि से बाहर निकल गए। इसका भाव अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। आपकी दुकान पर बहुरूपिया आया, बहुरूपिया मतलब एक बिल्कुल गरीब फटेहाल व्यक्ति, और उसने इंस्पेक्टर का रूप बनाया, और जैसे इंस्पेक्टर का ड्रेस डंडा रिवाल्वर होती है बिल्कुल वैसा था वो। अरे सर जी, और जो कुछ भी ऐसा उसने बोला, पहले तो एकदम डर गए, ये कहां से आ गया खाकी ड्रेस वाला। लेकिन जैसे ही कुछ दिखा चिन्ह, और चिन्ह देखते से ये चल, अरे सर जी लाओ 5,000 रुपए नंबर दो के काम हो रहे हैं, एकदम पहले तो घबरा गए, देना पड़ेंगे 5,000। और लेकिन जैसे ही उसके स्वरूप को जाना तो क्या हुआ, चल चल। ऐसे ही जीव और अजीव एक भेष में आए थे, और भेद ज्ञान से लक्षण से दोनों को भिन्न भिन्न जाना, वो दोनों निकल गए, दोनों को निकाल दिया रंगभूमि से। कैसे दोनों को निकाल दिया, इसमें भी रहस्य है कि ये जो 10 प्राण से जीने वाला जीव है, ये मोह राग द्वेष वाला जीव है, ये मति श्रुत ज्ञान वाला जीव है, कह रहे ये जीव भी वास्तविक जीव नहीं है, ये शरीर आदि तो जीव है ही नहीं, कह रहे दोनों को निकाल दिया। वो सर्वशुद्ध ज्ञान वाला जीव है ना, वो अंतिम 10वें अधिकार वाला, वो कभी नहीं निकलेगा। तो स्टार्टिंग में अभी जीव और अजीव दोनों को देखो क्या लिखा है, रंग भूमि से दोनों क्यों निकल गए बाहर, क्यों निकल गए? जैसे बहु रूपिया को जब पहचान लिया सेठ जी ने तो चुपचाप है, 5 पैसे नहीं दे तो भी चुपचाप चला जाएगा, क्योंकि हमने उसके रूप को पहचान लिया। ऐसे ही जो ज्ञान
ये जीव अजीव के भेद को जान लेता है तो भेद रूप जीव अजीव दोनों निकल जाते हैं। देखो निकाल दिया, सब ऊपर पढ़ेंगे अपन, सबसे ऊपर लाइन पढ़ो संस्कृत में, ऊपर सबसे ऊपर लिखी है इति जीवा जीवौ, दो है ना, द्वितीया द्वितीय नहीं द्विवचनम, जीवा जीवौ पृथक भूतवा निष्क्रांतौ, कैसे हो गए दोनों, गेट आउट बोलो। भेद विज्ञान ऐसी ताकत है वो जीव अजीव दोनों के भेद को निकाल देता है, अभेद चेतन जीव का सिर्फ अनुभव करता है, ये कला है, इसमें जो आत्मख्याति की कला है बहुत बड़ी बात है। अब इसकी और रहस्य क्या है, आप इसमें आगे पीछे पढ़ना, स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना, डॉक्टर साहब का अनुशीलन पढ़ना, और विशेष चर्चा भी अभी आएगी जब अपन करेंगे, बराबर। इस तरह से ये जीव अजीव अधिकार समाप्त हुआ। अब देखो कर्ता कर्म अधिकार स्पेशल, इसका ये जो दोहा लिखा है उसके नीचे देखो प्रथम टीकाकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देखना कला है अमृतचंद आचार्य देव की, अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में, कौन वो जीव अजीव ही अब किसका वेश बना के आ गए, ओहो मैं चेतन एक कर्ता हूँ और ये शरीर दुकान राग पुण्य पाप ये मेरे कर्म है, ये पागलपन हुआ है। इस श्लोक अर्थ पढ़ो, उसके पहले ऊपर लिखा है अब पहले उस स्वांग को, किस स्वांग को, पहले जीव अजीव के स्वांग को जाना, अब कर्ता कर्म के स्वांग को भी कौन जानेगा, देखो ये लिखा है ज्ञान, उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञान की महिमा, किसकी महिमा, इस पूरे समय सार ग्रंथ में आत्मख्याति टीका में किसकी महिमा है, ज्ञान की, भेद विज्ञान की, सुनो ज्ञायक की नहीं, क्या कहा इधर देखो सब, किसकी महिमा है, ज्ञायक की नहीं, नई चीज है आज, किसकी महिमा है, भेद विज्ञान की, क्यों है भेद विज्ञान की महिमा, क्योंकि ज्ञायक तो अनादि काल से, लेकिन उस ज्ञान ने उस ज्ञायक को जाना नहीं तो लाभ नहीं मिला, तो महिमा किसकी है, भेद विज्ञान की। खजाना तो घर में गड़ा है और चूल्हे के नीचे ही रख गए बाप दादा गड़ा के, और वही चूल्हे पे मुंह मार रहे हैं, मतलब सिर फोड़ रहे हैं, क्योंकि चूल्हे में कछु है नहीं है, दाल चावल गेहूं है नहीं, आटा कब बना है, वही पे सिर रख के मर गए, चले गए, कछु नहीं दे गए। अब वे कुछ क्यों नहीं दे गए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी आदतें खराब थी, गड़ा है, वो एक दिन तेज मूड मार दी उससे चूल्हे से, बोलो खजाना निकल गया। ऐसे ही यहां पर खजाना तो है, रत्नाकर तो है, लेकिन ज्ञान में पता नहीं है, जो ज्ञान उसको जानता है उस ज्ञान की महिमा है। सुनो आश्रय अपेक्षा से तो ज्ञायक की महिमा है, क्योंकि ज्ञान जानता तो उसी को है, लेकिन कारण की तरफ से भेद विज्ञान की महिमा है। जब तक ज्ञान नहीं जाने तब तक लाभ नहीं होगा आपको, भाई बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, गांव है चारों तरफ नदी नाले तालाब, मतलब साधन नहीं है कुछ भी यातायात के, बहुत पेट दुख रहा है, बच्चा परेशान है, माता पिताजी खेत में काम करने गए, लौटे वो चार छह घंटे बाद ये तड़फ रहा है, और वहीं पे नमक और अजवाइन रखी है, क्या रखी है, नमक और अजवाइन, तो उन्होंने कहा तू तड़फ रहा है चार घंटे से, ये क्यों नहीं खाई, अब खाई कैसे, खाए कैसे पता तो हो, ये अजवाइन नमक में कितनी ताकत है, वो सारे पेट दर्द को दूर कर देती है, औषधि है, लेकिन पता नहीं है तो तड़प रहे। ऐसे ये ग्रंथ ये समयसार यहीं पर हैं, लेकिन पता नहीं है तो दुख से तड़प रहे हैं, शरद पूर्णिमा की खीर देख रहे हैं,
क्या होगा बता, ऐसी स्थिति है। उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता, किस स्वांग को, इधर देखो सब, किस स्वांग को, कर्ता कर्म के स्वांग को, अधिकार चालू हुआ है ना वो विषय के अनुसार, किसको जान लेता है, कर्ता कर्म के स्वांग को, सारा जहर उतर जाता है। कैसा जहर, मैंने किया, इतना किया, घर के लिए किया, समाज के लिए किया, मंडल के लिए किया, कितना किया, ये स्वाध्याय मंदिर बनाया, ये मंदिर बनाया, ये बनाया, ये पाठशाला के लिए किया, तुम लोगों के लिए किया, ये सारा कर्तृत्व का भूत मानकरण को अहंकार सब उतर जाता है। कैसे उतर जाता है कि भैया कर्तृत्व कहीं है ही नहीं, आता कहां से है, बच्चों को हमने किया, पाल पोस के बड़ा किया, और हमारी कोई दीनता हीनता, ये सारा जहर उतर जाता है। उस ज्ञान की महिमा कहते हैं, देखो पढ़ो सब एक साथ, पढ़ो सब लोग श्लोकार पढ़ो, इतना ही बस, इतना ही इतना ही। क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, इस लोक में मैं एक चेतन आत्मा तो कौन हूँ, एक ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, ब्रह्मा कौन दूसरे ब्रह्मा है, मैं ही, 24 घंटे कौन काम कर रहा है, घर के, चौके के, शरीर के, दुकान के अंदर, कर्मों के अंदर, परिणामों के काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, सम्मेलन कौन करेगा, मोक्ष कौन करेगा, बोलो कितनी गजब बात लिखी है, पागल बने, जब तक मैं करता हूं मैं करूंगा ऐसा भूत है, तब तक निबोध होगा, अनंत दुख होगा, क्या होगा, अनंत दुख होगा। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं, और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, कर्म है मेरे, कर्म है, मैंने किए हैं, कम किए हैं, ज्यादा किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, 24 घंटे पाप कर रहा हूं, पाप में फंसा हूं, पाप में भटक रहा हूं, पुण्य में अटक रहा हूं, कहीं लाइन लिखी है, कहां लिखी है, बोलो कहां लिखी है, कहां स्वाध्याय भवन में लिखी है, ऊपर लिखी है, शांतिनाथ भगवान की वेदी के ऊपर, वेदी है कि नहीं अपनी, दूसरी नीचे उतरते हैं उस वेदी के ऊपर इस तरफ लिखा है, फ्लैक्स लगा है, पाप में भटकना नहीं, पुण्य में अटकना नहीं, लेकिन उसके पहले लाइन चाहिए, क्या लाइन चाहिए, भेद विज्ञान को छोड़ना नहीं, लेकिन वो छूटा पड़ा है, भाई नहीं लिखी, हमने लिखवाई होती तो लिखी होती, भेद विज्ञान नहीं छोड़ना, हमने आज तक पाप नहीं किया, पुण्य नहीं किया, पाप में भटके नहीं, पुण्य में अटके नहीं, क्यों, हम कौन है, हम तो चेतन स्वरूप ही आत्मा है, ऐसे ज्ञान को करना है सही, बार 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 बार, और पूरे समय साल में क्या किया है, एक ज्ञान को ही राइट किया है, कितने काम कराए हैं, एक ही काम कराया, ये सिद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा, पहले से लेके अभी तक कितने काम करा रहे हैं, एक ही काम बराबर, यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की, देखो अज्ञानी मतलब कोई थर्ड पार्टी नहीं, जो ज्ञान भेद विज्ञान नहीं करता उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान पर्याय से अभेद करके जीव को अज्ञानी कहते हैं, लिख लो, जीव अज्ञानी नहीं होता कहते हैं, एक समय की पर्याय से अभेद करके बराबर,
इसकी चर्चा ही बाद में विशेष करेंगे। अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से समन करती हुई, किस ओर से, सब मतलब कहीं से कुछ बाकी न रह जाए कर्तृत्व, सब ओर से समन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ज्ञान ज्योति मतलब स्वरूप जाना, मैं ज्ञाता, ज्ञाता हूं मतलब कर्ता नहीं हूं। बताएंगे बहुत बड़ा अधिकार है, अलग अलग तरह से सारा कर्तव्य छुड़ाएंगे। वह ज्ञान ज्योति कैसी है, परम उदात्त है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, किसी भी प्रकार से आकुलता रूप है नहीं होती। बोलो सामने आपके चौराहे पे बहुत नाटक हुए, मर्डर हो गए, बहुत एक्सीडेंट हुए, सब कुछ हुए, और आप वहीं खड़े थे, बोलो कितना टेंशन होता है, कितनी अधीरता होती है, कितने पुलिस वाले आए तो चक्कर पड़ेगा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। पर ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान, मैं सिर्फ ज्ञाता हूं ऐसा निर्णय करे। अब यहाँ जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कौन ने किए? मैंने नहीं किए। ये है धीर हो गया, वो ज्ञान वीर हो गया, महावीर हो गया, सन्मति हो गया, पांच नाम हो गए, वर्धमान हो गया, अज्ञान से आगे बढ़ गया, सम्यक ज्ञान हो गया, पांच नाम लिख के आना कल पांच नाम का निबंध। पांच नाम पे इस अपेक्षा से निबंध लिख के आना, ऐसा मत करना कैसा जैसे उसने किया था, वो उसने कल्लू ने, वो मतलब कोई भी है, उनने मास्टर सामने का बेटा लिखो आलस के ऊपर चार पेज का निबंध लिखो, तो उसने एक लाइन लिख दी, बाकी सब खाली पड़ा है, सबसे बाद में लिख दिया, इसी को आलस से कहते हैं, खत्म। ये धीर वीर सन्मति पे कर्ता कर्म के अपेक्षा से लिखना, ज्ञान आगे काम करेगा, बराबर। चलिए अब इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हैं टीकाओं में, उसको अपन छोड़ते हुए कुछ खास चीज पर आगे बढ़ते हैं। क्लस नंबर आप निकालिए 47 1947 स्वतंत्रता दिवस, बहुत गजब का कलश है, शब्दावली बहुत बढ़िया है, वीरों की शब्दावली है, पेज नंबर 160। श्लोकार्थ देखना क्या क्या शब्द है आचार्य देव के, पर परिणति को छोड़ता हुआ, क्या शब्द है, हर्ष तेज बोलो अच्छे से देख के, पर परिणति को छोड़ता हुआ, हाँ आगे देखो क्या शब्द है, पर परिणति को छोड़ता हुआ, पर परिणति मतलब दुकान घर गृहस्थी शरीर मोह राग द्वेष पुण्य पाप के भाव, ये सब क्या है, ये पर परिणति, इनको ज्ञान ने क्या किया, छोड़ता हुआ, छोड़ता हुआ मतलब भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, छान बज्जा रानियों को छोड़ दिया, सड़कों पे दौड़ा दिया, जा भाग जा, 18 करोड़ घोड़ों को छोड़ दिया, 84 लाख हाथियों को तो कैसे छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया मतलब ये मेरे नहीं है, उनसे राग टूट गया, ऐसा इसका नाम है छोड़ना जैन दर्शन में। तो पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़, अरे गजब हो गया, सुनो मैं जीव हूं, मैं द्रव गुण पर्याय वाला हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये भेद है, भेद के कथनों को तोड़ दो, मैं जानने वाला नहीं हूँ, मैं जीव शक्ति से जीने वाला, गजब हो गया। देखो ये लिखा है, अब ये दो दो चार चार घंटे लगेंगे अपन जब पढ़ेंगे इसे, क्योंकि वो मर्म निकलेगा, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान, कौन, मैं नहीं, वो ज्ञान की पर्याय, सब में मैं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी,
वो ज्ञान की वेद विज्ञान करने वाली ज्ञान की पर्याय, मैं तो एक ही है ज्ञायक। वो ज्ञायक काम नहीं करता कुछ, काम करती है ज्ञान की पर्याय। ज्ञान को अलर्ट रखना है अंकुर, कल से डायरी लेके आना है, क्योंकि ये चीज लिखने में आएंगी। मैं मतलब कौन, लिखने की चीज है, और ये जो तोड़ रहा है, उदय हो रहा है, वो कौन है? वो विशेष वर्ती हुई ज्ञान की पर्याय, छाओ समिक ज्ञान। कौन है वो? और मैं हूं परम पारणामिक भाव। अंतर है, बहुत अंतर है। ये मरने वाली है, क्या कहा? भेद विज्ञान की पर्याय भी मरने वाली है, और मैं अमर तत्व हूं। कितना अंतर है बोलो। ये लिखो ये चीजें, रहस्य है। यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ, प्रकट हो गया, ज्ञान ज्योति जागृत हो गई। अहो अहो, देखो शब्द, देखो आचार्यों के, अमृत चंद आचार्य देव है, ये खीर अमृत बनेगी ज्ञान की, शरद पूर्णिमा। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है? वो भ्रांति, कर्तृत्व, घमंड, दीनता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा ज्ञान, पूरी दुनिया कह रही है इनने काम बिगाड़ा, ये राग कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, इन्हें संव्यसन करना चाहिए, इन साधु बनना चाहिए, और वो ज्ञान क्या कह रहा है? हैं तो क्या ही हो, परम कर्ता नाथ अहोचित, परम कर्ता नाथ निष्क्रिय तत्व विशेष। अच्छा भैया, कहा लिखी है लाइन है? कल से सब लोग 7:45 आओ, प्रक्षाल करो, पूजा करो, तभी बात और बैठेगी। इसकी चीज बैठेगी। पंडित साहब के प्रवचन थे कुरावली के, अभी उन्होंने एक बात कही, डॉक्टर साहब आपकी क्या बात कही कि एक व्यक्ति है, कोई बीमारी हो गई, ऑपरेशन होना है तुरंत, लेकिन डॉक्टर ने जब बीपी देखा तो बीपी हाई, तो उन्होंने कहा सुनो 2 दिन बाद आना ये दवाई खाना। क्यों? बीपी को लो करेंगे। तो ऐसा ही पूजा करो, ये बीपी लो करने की दवाई है प्रक्षाल पूजा। डॉक्टर साहब पूजा करके आते हैं डेली, तो ही पूजा करके आ रहे हैं, समझ आया? ठीक है, सट आवश्यक, प्रक्षाल और पूजा। पर परिणति को छोड़ दिया, भेद के कथनों को, अब ये कलश नंबर और ये विषय याद रखने लायक है। अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ। अहो, ऐसे ज्ञान में कर्तृत्व बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकती है? तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी, बोलो, बचना है कर्मों से, कर्म बंध नहीं होगा, और सुनो, पुराने कर्मों की निर्जरा होगी ऑटोमेटिक। कैसे? चौथा गुण स्थान नहीं होगा, हमें नहीं होगा तो ऑटोमेटिक। कैसे साधुपना नहीं होगा? कैसे अनंत सिद्ध अवस्था नहीं आएगी? देखते हैं कैसे नहीं आएगी। 100 बार आएगी, कब आएगी? लेकिन पर परिणति को ये भेद विज्ञान के पुरुषार्थ से, बराबर। चलिए अब आप देखिए, कलश तो बहुत है, लेकिन 62 नंबर कलश निकालिए, बहुत बढ़िया कलश है और बहुत प्रसिद्ध है, कलश नंबर 62। इसके पहले भी ये जो हम आपको इशारा कर रहे हैं, टीका पढ़ नहीं रहे हैं, ये 94 नंबर की जो गाथा है, सॉरी 96 नंबर की गाथा की टीका है, पढ़ना घर पे सब लोग, बहुत गजब की गाथा है, टीका है। इसमें भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष के एग्जाम्पल दिए, बहुत गजब की, पागलपन जो चल रहा है ना यहाँ मिटाया है। एक ऐसा दृष्टांत दिया
96 नंबर की टीका में पेज नंबर 211 पर, 211 पर ऐसा दृष्टांत दिया, जो जो ऐसे ध्यान करने बैठ जाते हैं, ध्यान मंदिर ऐसे बैठ जाओ, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी, आचार कह रहे कैसा पागलपन है पूरी दुनिया में, आर्ट ऑफ लिविंग ये सब है ना, रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर ये कैसे पागल बना रहे हैं, ये इस एक पैराग्राफ में लिखा है, पूरे पैराग्राफ में 1000 साल पहले। कहो तो पढ़ के सुना रहे, पढ़ो। जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से मिला सबको, ग्रंथ सबके पास है, पीछे है कि नहीं ग्रंथ, पीछे मेला मंडल में है, सबसे पीछे एकदम ग्रंथ दे दो ये उठा के, शुभाचार्य निकाल देना ये ग्रंथ, पेज नंबर 211 96 नंबर गाथा की टीका का दूसरा पैराग्राफ दे दो, पीछे दे दो सब, अरे एक दो तो दे दो अभी, देख रहे हो जाएंगे। भैया ये 1000 सालों से जिनवाणी बंद है, अब तो खुले अपने ज्ञान में, ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले मंगाए थे कोटा से ग्रंथ, रखे ही थे जब से, धूल इनमें झड़ाई है, खुल रहे तो। जैसे सुनो, बहुत शानदार सरल, एकदम सरलता की पराकाष्ठा, कैसे प्रैक्टिकल चीज। जैसे अपरीक्षक, अपरीक्षक मतलब अज्ञानी, तत्व ज्ञान से जो अनभिज्ञ है, सात तत्व द्रव गुण पर्याय के ज्ञान से जितने भी हैं, जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला भूला मूर्ख पुरुष अज्ञान के कारण भैंसे को अपने और अपने को एक करता हुआ, किसी ने बता दिया भैंसे का ध्यान करो, तंत्र मंत्र वाले बताते हैं ऐसा होगा, सत पूर्णिमा रात के 12 बजे चांदी रात में छत पे चले जाना, खीर रख देना, ऐसे ऐसा, भक्ता मर के ये वाला का पढ़ना, काले कपड़े पहन के। सम्य शिखर जी में हम लोग, भाई साहब हम लोग थे और 8-10 दिन ऊपर ही रुके थे शिखर जी में, ऊपर 10 दिन ऊपर ही, वहीं बस एक टाइम अपना भोजन बन लिया थोड़ा सा कुछ, और दिन भर वहीं पर रहते थे, चर्चा ऐसे सब पहाड़ पे ही, तो लोग यहाँ ऐसे आते थे, हम ऐसे उल्टे जाते थे, मतलब बंद ना कर रहे कहीं भी टॉप पे, तो ये देखा पति पत्नी दोनों एकदम काले कपड़े पहने, बिल्कुल काले कपड़े, नीचे का भी काला पुरुष ऊपर एकदम काले कपड़े, वैसे ही महिला भी पूरी एकदम काले कपड़े। हमने पूछा उनसे, भैया जी क्या है, कह लगे वो तो कहा है तुम काले कपड़े पहन के सम्य शिखर जी की वंदना करोगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पागलपन है। अरे भक्तामृत स्तोत्र के बारे में भी 500 तरह की पुस्तक, 500 तरह के तंत्र मंत्र, 500 तरह की, ये वाला का पढ़ो उधर रोग मिटेगा, ये वाला पढ़ो तो आंख ठीक होंगी, ये वाला पढ़ो तो सांप निकट नहीं आएंगे, मूर्ख अज्ञान के सांप तो पाल रखे तूने खुले ही, मोह आन देश के गृत मिथ्यात्व के लोक मूर्ता के पागलपन। वो क्या लिखा है, भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं, कौन सोच रहा है ये आदमी, आदमी क्या विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, मैं गगन स्पर्श बैठा है छोटी सी कुठरिया में, वो क्या विचार कर रहा है, मैं गगन मतलब मेरे सींग है, मैं भैंसा हूं, वो सींग कितने बड़े हैं, ऐसा ऐसे अध्यास के कारण मतलब उल्टी अज्ञान मिथ्यात्व के कारण, ऐसे निर्णय विपरीतता होने के कारण, मनुष्योचित मकान के द्वार में से बाहर निकलने से च्युत होता हुआ, अब मैं कैसे बाहर निकलूं, सींग फंसे हैं, सींग टूट जाएंगे,
मेरे सिंह तो बड़े हैं और दरवाजा तो छोटा है। चुत होता हुआ उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित तो होता है, ये पागलपन का उल्टी कल्पना का। इसी प्रकार आत्मा भी किसके कारण, पाप कितने हैं देखो, अज्ञान के कारण ये ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, मैं अमित हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं चिंतक हूँ, बहुत अच्छा चिंतन करता हूँ, बहुत अच्छे प्रवचन करता हूँ, ये सब भैंसे जैसा है, बहुत अच्छी गृहस्थी हूँ, गृहस्थी हूँ मतलब महिला हूँ, गृहिणी हूँ, रोटी दाल चावल एक एक ऐसी एक डस्टिंग ऐसी करती हूँ, एक सल नहीं आए पर्दे पे, मैं ऐसी सुबह से शाम तक। अज्ञान के कारण ये ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता है, मैं परद्रव्य हूं, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए सारे क्षेत्रव रूप अपने को अनुभव करता है। सुनो, अजीव आश्रव बंध तत्रूप अपने को अनुभव करता है और अज्ञानता में संवर निजला मोक्ष का ध्यान करता हुआ, वे है नहीं भले ही अवे ही परिणति में, लेकिन उनका लक्ष्य करके कब धन घड़ी आएगी, जब मैं मुनि बन जाऊंगा, वन में जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, अनंत बन जाऊंगा, पागल भैंसे का ध्यान हो रहा है अज्ञानता में। देखो क्या लिखा है, कितने गजब शब्द है, अन्न जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चेतन धातु, कौन कौन, ये जो वस्तु है भेद वस्तु ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसको कह रहे हैं शुद्ध चेतन धातु रुकी होने से, रुकी मतलब ज्ञान में उसका ज्ञान नहीं है, यहां पर जो शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान नहीं है। तो क्या ज्ञान है, मैं भैंसा हूं, भैंसा मतलब मनुष्य हूं, रागी द्वेषी हूं, पूजा करने वाला हूं, ये क्या है, ये भैंसे का ध्यान है। तो 24 घंटे बहुत काम है, अब तो GST भी आ गई और बिल फाड़ दे रहा हूं, मतलब परेशान है, तुम परेशान हो कि भगवान हो, ये कह रहे भगवान हो तुम, ये समय सारी ग्रंथ ये भगवान पन्ने को दिखाने वाला ग्रंथ है भगवान और मान रहे हैं है मनुष्य वो, और अनुभव क्या कर रहा है, भैंसा हो गया, वो कितना बड़ा भैंसा हो गया, एक दुकान, दो प्लाट, चार बैंक बैलेंस, इतना बड़ा सिंह है, सिंह है ये, दो बच्चे, दो बहू है, एक वहां ऐसे ऐसे, कितने बच्चे हैं आपके, ये सिंह है सब। देखो अमृतचंदाचार्य 1000 साल पहले, इस सारी मिथ्या अनुभूति को मिटाने के लिए, ये है बस अंतिम पंक्ति पढ़ रहे हैं, रुकी होने से तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों द्वारा केवल बोध मतलब ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा ढका हुआ होने से गलती मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, बेचेत पड़े सब देही है। लाइन आ गई, शरीर में रुका है, मैं उठा, मैंने मंजन किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वो किया, फिर वो किया, वो किया, सुबह से कर कर के कमर टेढ़ी हो गई। अरे हो कौन तुम, तुम्हारा क्या स्वरूप है, ये निर्णय कराने के लिए टीका है। अमृत भरा है असली असली शरद पूर्णिमा अध्यात्म, बोलो कैसे मरे तो बोलो, कैसी चीजें बताइए, आएंगी ऐसी करेंगे और चर्चा, जल्दी नहीं अपने को एक्सीडेंट के तीन प्रकार, नींद, नशा और तेज रखता, तो अपन धीरे ही चलेंगे। निज निधि निज में बता।